वेब सीरीज़ करते हैं, फिल्मों का निर्माण निर्देशन करते हैं, जो वेब सीरीज़ समांतर नाम से MX प्लेयर पर चली थी, 2 सीज़न चली, वो बहुत हिट हुई। और मैंने अपनी फिल्म निर्देशन का जो डेब्यू जिसको कहते हैं, वो मराठी सिनेमा के माध्यम से किया, और सुधा मूर्ति जी की कहानी पर हमने फिल्म बनाई, जो अब अमेज़ॉन प्राइम पर उपलब्ध है देखने के लिए। उसका नाम है पितृऋण, पितरों का ऋण, और बहुत पारिवारिक किस्म की वो कहानी थी, जिसमें 5 अवार्ड्स मिले हमको। और अब फिल्म निर्देशन के लिए भी 2 स्क्रिप्ट्स के ऊपर लेखन का काम जारी है। नीतीश जी, राजनीति में काफी सफल पारी आपने के लिए, फिर अचानक राजनीति क्यों त्याग दी, उसकी कुछ वजह? आज उसके विषय में बात नहीं चलिए करेंगे चलिए, आज देश आज हेल्थ केयर के विषय में बात करेंगे, क्योंकि त्रिवेणी अस्पताल को देखने के हेतु से मैं विशिष्ट रूप से आया हूँ। लोग लोग कह रहे हैं देश बदल रहा है, नीतीश जी कैसा देख रहे हैं देश को, क्या कुछ बदलाव हो रहा ने, है? देश तो बदल ही रहा है, बहुत आमूलाग्र परिवर्तन देश में हो रहे हैं। कई चीज़ों को जिनको हम जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पुश इट बिलो द कारपेट, कि मतलब कारपेट के नीचे धकेल दो, है ना, और ऐसे करो कि मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी चीज़ें अब नहीं हो रही इस देश में। कई मतलब दशकों से हमने कश्मीर के इशू को डील नहीं किया था, तो इस सरकार ने कश्मीर के इशू को डील किया। इलीगल इमिग्रेशन को डील नहीं कर रहे थे, उसके साथ ये बड़ी समस्या, बम्बई जैसे बड़े शहर में भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कई जगह से आते हैं। तो इन समस्याओं को स्वीकारना कि ये समस्या है और उसके ऊपर यथोचित एक निर्णय लेना, ऐसे कई सारी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। आज आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज भारत की साख है, पूरे विश्व में भारत की आज जो साख बनती गई है पिछले 6-7 वर्षों में, ये पहले कभी नहीं हुआ था। और धीरे धीरे धीरे, एक ज़माना था मुझे याद है, भारत के पासपोर्ट के साथ हम जाते थे तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह से हमको देखा जाता था। आज जो सम्मान है भारतीय पासपोर्ट को, उसका जवाब नहीं है। आज आप कोरोना की महामारी को देखिए, जिस तरह से इस सरकार ने और सारी राज्य सरकारों ने, मैं केवल केंद्र सरकार का बखान नहीं करूंगा, कोरोना के मामले में कई सारी राज्य सरकारों ने, जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अपने सारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने बहुत सुंदर काम किया है, अपनी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। और एक जो हमने सफलता पाई है कोरोना को एक तरह से कंट्रोल करने में, आज पूरे देश में जो नंबर हमको इतने कम दिखाई दे रहे हैं, वो उसी का कारण है। तो कई सारी सफलताएं हमने पाई हैं मेडिकल साइंसेस में, भारत ने प्रगति की है। अब डिफेंस में, जो जिस तरह की कंपनियां, हम भारतीय कंपनियां अब डिफेंस में आ गई हैं, तो ये आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से जितने प्रयास होने चाहिए वो सही दिशा में हो रहे हैं। 70 साल का जो कम विकास हुआ है, वो आप 7 साल में आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। अब सही दिशा पकड़ी है देश ने और सरकारों ने, आने वाले 10 वर्षों में बहुत आगे हम निकल जाएंगे।